नाज़रीन इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। छंग में सैलाब जदगान की ट्राली को जो है वो हादसा पेश आया है और इस हादसे में दो खवातीन जाँ बहक, जबकि 30 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और ये हादसा टोबा रोड मौजा साहबा के करीब पेश आया और दौरान क्रॉसिंग जो है वो डंपर की टक्कर से ट्राली उलट गई, जिस पर सवार 35 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी हुए थे, जिनमें 28 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिनमें 7 अफराद की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। दो खवातीन मौके पे ही जान बहक हो गईं और जख्मों की ताब ना लाते हुए दो खवातीन दम तोड़ गईं और रेस्क्यू को इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। और इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद बेहतर तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है जख्मियों को, और जख्मियों में खवातीन मर्द शामिल हैं। ये तमाम अफराद सैलाब मुतासरीन हैं और मवेशियों का चारा जो है वो ना होने की वजह से जो है वो टोबा टेक्सिंग ट्राली पर चारा जो है वो लेकर झंग आ रहे थे। टोबा टेक्सिंग जो कि झंग के करीब शहर है और वहाँ से ये तमाम अफराद चारा काट कर जो है वो लेकर आ रहे थे अपने मवेशियों के लिए कि पुल असाबा के करीब जो है वो दौरान क्रॉसिंग मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रेलर की टक्कर से ट्राली जो है वो उलट गई, जिसके नतीजे में दो खवातीन जाँ बहक जबकि 30 अफराद शदीद जख्मी हुए और इन अफराद को रेस्क्यू अहलकारों की जानिब से जो है वो तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर जो है वो ट्रामा सेंटर में इस वक्त तिबी सहूलतें जो हैं वो फराहम की जा रही हैं जख्मियों को। और जख्मी होने वाले अफराद में 7 अफराद की हालत जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक जो तश्वीशनाक जो है वो बताई जा रही है, और जख्मी अफराद को तिबी इमदाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से फराहम वो की जा रही है और बेहतर तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है और इस जो है वो दौरान तमाम तर जो अमले को भी फौरी तौर पर जो है वो बुला लिया गया है। डॉक्टर्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बेहतर तिबी सहूलतें जख्मियों को फराहम की जा रही हैं।